नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में बारिश के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। मुंबई के पालघर के वसई इलाके में बुधवार को लैंडस्लाइड में कई लोगों के दबे होने की खबर है, तो विदर्भ के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, भंडारा, वर्धा, गोंदिया, अमरावती और नागपुर जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है। वहीं भाजपा ने अपने सोलापुर जिलाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख का एक वीडियो सामने आने के बाद उन्हें पद से हटा दिया है, जिसमें वो एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो उधर राजनीतिक मजबूरी के चलते आखिरकार उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को ही अपना समर्थन देने का फैसला लिया। खुद उद्धव ठाकरे ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो अपने विधायकों के दबाव में थे और कोई छिपा हुआ सच नहीं है। इसी बीच मुंबई की पूर्व पार्षद शीतल म्हात्रे ने एकनाथ शिंदे का गुट का दामन थाम लिया। शीतल मुंबई से शिवसेना की पहली पूर्व पार्षद है, जिन्होंने खुले तौर पर शिंदे गुट के समर्थन की घोषणा की है। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में बारिश के कारण स्थिति गंभीर होती जा रही है। मुंबई के पालघर के वसई इलाके में बुधवार को लैंडस्लाइड में कई लोगों के दबे होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है, इस वजह से अगले चार दिन तक महाराष्ट्र में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। ठाणे के दिवा इलाके में बारिश के चलते पानी भर गया। सड़क नहीं देख पाने के कारण एक शख्स कार सहित फंस गया, बाद में उसे स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। मुंबई के पास पालघर के वसई में बुधवार सुबह लैंडस्लाइड हुआ, कई लोग दब गए। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक दो लोगों को जिंदा निकाला है, जबकि तीन लोग अब भी फंसे बताए जा रहे हैं। एक घर को नुकसान पहुंचा है, किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। बाढ़ वाले स्थानों से 95 लोगों को निकाला गया। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि एनडीआरएफ की 13 टीमों और एसडीआरएफ की 3 टीमों को राज्य के संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, कल्याण, ठाणे और नवी मुंबई में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नासिक, पालघर और पुणे जिलों के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विदर्भ के गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, भंडारा, वर्धा, गोंदिया, अमरावती और नागपुर जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है। गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल में हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। नदी नालों में बाढ़ आने के कारण अनेक मार्ग बंद है। सैकड़ों गांव अब भी संपर्क से बाहर है, जबकि अनेक गांवों की बत्ती गुल है। बाढ़ में फंसे अनेक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। चंद्रपुर के माजरी में 28 साल बाद तबाही मंजर नजर आ रहा है। गढ़चिरौली की सिरोंचा तहसील से सटी गोदावरी और प्राणहिता नदी से सटे 12 गांवों के लोगों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। चंद्रपुर में घरों का नुकसान होने के साथ कई जगह फसलें भी प्रभावित हुई। इरई डैम के 5 दरवाजे भी खोले गए हैं। यवतमाल में बारिश के कारण नागपुर से तुलजापुर महामार्ग पर कोसदरणी घाट में चट्टान ढह जाने से रास्ता बंद हो गया। पुसद उमरखेड रास्ते पर की पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे ये रास्ता भी बंद कर दिया गया है। भंडारा जिले में गोसीखुर्द के 11 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। वर्धा जिले की 8 तहसीलों में लगातार 4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो गोंदिया, अमरावती और नागपुर जिले में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। मध्य प्रदेश से फिलहाल आवागमन बुरी तरह प्रभावित है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एक वीडियो का कोहराम मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोलापुर जिलाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख का एक वीडियो सामने आने के बाद उन्हें पद से हटा दिया है, जिसमें वो एक महिला के साथ दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने जबरन वसूली की देशमुख की शिकायत पर महिला के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा कि श्रीकांत देशमुख से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है और उनके इस्तीफे के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उन्हें हटा दिया है। वीडियो क्लिप में दिख रही महिला को आगे आकर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि देशमुख का उनके साथ प्रेम प्रसंग था, लेकिन उन्होंने उसे धोखा दे दिया। इस बीच मुंबई पुलिस ने 2 दिन पहले देशमुख की शिकायत पर वीडियो में दिख रही महिला के खिलाफ FIR दर्ज की है। अधिकारी ने कहा कि देशमुख ने कहा था कि मुंबई के ओशिवारा में रहने वाले 32 वर्षीय एक महिला ने उन्हें फंसाया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आला अधिकारी ने साफ कहा है कि अगर इसमें साजिश नजर आती है तो महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे पार्टी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि शिवसेना उनकी है।
इन सबके बीच राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में शिवसेना के दोनों गुटों का रुख काफी अहम हो जाता है। दरअसल शिवसेना के बागी विधायक पहले ही द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं शिवसेना विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देने की बात कह चुकी थी, लेकिन पार्टी के दो फाड़ होने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने धर्म संकट यह था कि अगर वो यशवंत सिन्हा के साथ जाती है तो बागी विधायकों के साथ वापस जाने के रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक मजबूरी के चलते आखिरकार उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को ही अपना समर्थन देने का फैसला लिया। खुद उद्धव ठाकरे ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो अपने विधायकों के दबाव में थे और कोई छिपा हुआ सच नहीं है। उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी के 18 में से 13 सांसदों की बैठक बुलाई। पहले ही 5 सांसद पार्टी से बगावत कर चुके हैं। ऐसे में 13 सांसदों के साथ बैठक के दौरान इन सांसदों ने उद्धव ठाकरे से अपील की कि वह द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे और भाजपा के साथ समझौते के लिए दरवाजे को खुला रखे, साथ ही एकनाथ शिंदे के साथ एक बार फिर से वापसी के विकल्प को तलाशे। महाराष्ट्र में अभी भी सियासी ड्रामा जारी है, जिस वजह से शिवसेना के नेता लगातार गुट बदल रहे हैं। उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। पार्टी के प्रवक्ता और मुंबई की पूर्व पार्षद शीतल म्हात्रे ने एकनाथ गुट का दामन थाम लिया। शीतल मुंबई से शिवसेना की पहली पूर्व पार्षद है जिन्होंने खुले तौर पर शिंदे गुट के समर्थन की घोषणा की है। वो 2012 और 2017 में उत्तरी मुंबई के उपनगरीय दहिसर में वार्ड नंबर 7 का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक म्हात्रे मंगलवार रात को शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ सीएम के आवास पर गई थी। वहां पर एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद उन्होंने समर्थन का ऐलान किया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अलीबाग पेन क्षेत्र के लिए म्हात्रे को संपर्क संगठक नियुक्त किया था। बृहन्मुंबई नगर निगम के चुनाव अगले कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। अभी तक बीएमसी की चाबी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास थी। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के सांसदों ने उद्धव ठाकरे के साथ बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। वैसे तो एनसीपी और कांग्रेस से उद्धव का गठबंधन अभी टूटा नहीं है, ऐसे में उन पर विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का दबाव था, लेकिन ज्यादातर सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन की मांग की। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। तो राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर बयान दिया है, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। वहीं कांग्रेस के असंतुष्ट समूह कहे जाने वाले G23 के नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी एक बार फिर से अहम भूमिका में ले जा सकती है। तो उधर ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के तीनों बच्चों सिद्धार्थ, लीना और तान्या को 8% की ब्याज की दर से $40 मिलियन 4 हफ्ते में बैंकों को चुकाने का आदेश दिया है। देश भर के इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि नियम का पालन होना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है। यदि निकाय के नियमों के मुताबिक निर्माण अवैध है तो फिर हम कैसे उसे गिराने से रोकने के लिए अथॉरिटीज को आदेश दे सकते हैं। जमीयत के वकील ने कहा कि दंगा करने के आरोपियों के खिलाफ सरकार चुनकर कार्रवाई कर रही है। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि कोई किसी अपराध में आरोपी है तो उसके घरों को गिराने की कार्रवाई हमारे समाज में स्वीकार नहीं की जा सकती, हम कानून के शासन से चलते हैं। इसी दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने भी यूपी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपी है सिर्फ इसीलिए उसके अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। इस पर याचिका के वकील ने कहा कि एक समुदाय को चुनकर उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। याचिका के वकील के इस तर्क पर गहरी आपत्ति जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई दूसरा समुदाय नहीं है, सिर्फ एक ही समुदाय है जिसे हम भारतीय कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को लेकर बयान दिया है, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें मुर्मू को आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार का विचारधारा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा अच्छे उम्मीदवार है और मुर्मू जी भी शालीन है, लेकिन वो भारत की बड़ी सही विचारधारा को नहीं दिखाती है। हमें उन्हें आदिवासी का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है
कि समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों को विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए वोट करना चाहिए। कुमार ने कहा कि प्रतीक बनाना और देश के लोगों को बेवकूफ बनाना ही मोदी सरकार का काम है, यह देश की आत्मा की लड़ाई है और एक जैसी विचारधारा वाली सभी पार्टियों को यशवंत सिन्हा के लिए वोट देना चाहिए। गौरतलब है कि अगर मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत जाती है तो वह देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। साल 2015 से 2021 तक वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। उनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज में हुआ था। इसके अलावा वह भाजपा में साल 2002 से लेकर 2015 तक कई एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य समेत कई अहम पदों पर रह चुकी है। कांग्रेस के असंतुष्ट समूह कहे जाने वाले G23 के नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी एक बार फिर से अहम भूमिका में ला सकती है। बीते सप्ताह ही जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब नए अध्यक्ष की तलाश की जा रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इसमें गुलाम नबी आजाद की अहम भूमिका हो सकती है और उन्हें पार्टी राज्य में संगठन को खड़ा करने के लिए फ्री हैंड दे सकती है। साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनने में भी उनकी अहम भूमिका होगी। फिलहाल इसके लिए मीटिंगों का दौरा जारी है। कल इसके लिए बैठक हुई थी और आज फिर एक बार दिल्ली में KC वेणुगोपाल के साथ गुलाम नबी आजाद और प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की मीटिंग है। कयास है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले बरस के शुरुआती महीनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में पार्टी चुनाव से पहले अपने संगठन को कस लेना चाहती है। अब इसी सिलसिले में दूसरे राउंड की मीटिंग दिल्ली में होनी है। इस बैठक के बाद राज्य को लेकर पार्टी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। बीते सप्ताह ही प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 8 साल तक पद पर रहने के बाद इस्तीफा दिया था। गुलाम नबी आजाद के भरोसेमंद नेताओं से उनकी अदावत थी और माना जा रहा है कि इसी गुटबाजी के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा कि याचिकाकर्ता PIL व्यवस्था का दुरुपयोग न करे, पहले यूनिवर्सिटी जाए, PhD करे, तब कोर्ट आए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिसर्च करने से रोके तब हमारे पास आना। कल को आप आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चेंबर में जाना है तो क्या हम आपको चेंबर दिखाएंगे? इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाएगा। ताजमहल के 20 कमरों को खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप एक समिति के माध्यम से तथ्यों की खोज कर मांग कर रहे हैं। आप कौन होते हैं यह आपका अधिकार नहीं है और न ही यह RTI अधिनियम के दायरे में है। हम आपकी दलील से सहमत नहीं हैं। अदालत ने कहा कि हमने पाया कि याचिका में नियम 226 के तहत ताजमहल के इतिहास के संबंध में अध्ययन की मांग की गई है। इसके अलावा ताजमहल के अंदर बंद दरवाजों को खोलने की मांग की गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस DK उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने कहा कि हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने पूरी तरह से गैर न्याय संगत मुद्दे पर फैसला देने की मांग की है। इस अदालत द्वारा इन याचिकाओं पर फैसला नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना मामले पर 4 महीने की जेल और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बेंच ने कहा कि सजा जरूरी है क्योंकि माल्या को कोई पछतावा नहीं है। जुर्माना न चुकाने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। माल्या को 4 हफ्ते के अंदर 8% ब्याज के साथ $40 मिलियन यानी ₹317 करोड़ वापस करने को भी कहा गया है। माल्या ने ये रकम अपने तीनों बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया था। माल्या पर तथ्यों को छिपाने और कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। बैंकों का आरोप था कि माल्या को ब्रिटेन की एक ऑफशोर कंपनी Diageo से $40 मिलियन मिले थे जिसे उसने अपने 3 बच्चों को ट्रांसफर कर दिए थे। याचिका के मुताबिक माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या और बेटियों लीना माल्या और तान्या माल्या को $13 मिलियन की रकम ट्रांसफर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के तीनों बच्चों सिद्धार्थ, लीना और तान्या को 8% की ब्याज की दर से $40 मिलियन 4 हफ्ते में बैंकों को चुकाने का आदेश दिया है। अगर सिर्फ लीना और तान्या की बात करें तो दोनों मिलकर 8% की ब्याज की दर से ₹211.33 करोड़ चुकाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर रकम समय से नहीं चुकाई जाती है तो वसूली के लिए बच्चों की संपत्ति कुर्की भी हो सकती है। श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। इसी बीच खबर है कि गोटाबाया राजपक्षे अमेरिका भागने की तैयारी में थे लेकिन अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनके बेटे हंटर बाइडेन के कुछ लीक वीडियोस भारी मुसीबत में डाल सकते हैं। एक 18 सेकंड के वीडियो क्लिप में हंटर बाइडेन को एक कॉलगर्ल के साथ बात करते हुए देखा जा सकता है। तो उधर चीन में छोटे बैंकों की हालत खराब है।
राशि निकासी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। बैंकों के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों जमाकर्ताओं को चीनी अधिकारी हिंसक रूप से तितर बितर कर रहे हैं। इसी बीच सऊदी अरब के पूर्व खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक मनोरोगी है। उन्होंने दावा किया कि क्राउन प्रिंस एक किलर है, उसके पास खतरनाक लोगों की गैंग है जिसे टाइगर स्क्वाड कहा जाता है। इसी के जरिए वह अपहरण और हत्याएं करवाते हैं। दुनिया भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भागने के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। खबर है कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, साथ ही प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। राजधानी कोलंबो में भी हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। लोग विक्रमसिंघे के भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पीएम आवास पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस को भी भीड़ के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। विक्रमसिंघे के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर देश भर में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है और पश्चिमी प्रांत में कर्फ्यू लागू कर दिया है। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पीएम आवास पर पहुंच गए थे। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के पूर्व सलाहकार ने बताया कि लोग पीएम और राष्ट्रपति दोनों को सरकार से बाहर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पीएम इस्तीफा दे दे, क्योंकि हमारे संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं तो पीएम कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। लोग चाहते हैं कि दोनों चले जाए। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों के जरिए कार्रवाई की है। खबर है कि प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए पीएम आवास की ओर बढ़ गए थे। कोलंबो में बढ़ते बवाल को देखते हुए सुरक्षा बलों ने हवाई गश्त शुरू की है। पीएम आवास के बाहर सुरक्षा में इजाफा किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। खबर के मुताबिक गोटबाया राजपक्षे के पास श्रीलंका और अमेरिका की दोहरी नागरिकता थी, लेकिन उन्होंने 2019 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपनी अमेरिका की नागरिकता छोड़ दी थी। रिपोर्ट के अनुसार कोलंबो स्थित अधिकारी ने कहा कि गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद अमेरिका जाने का अनुरोध किया था, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने गोटबाया के इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस मामले को लेकर कोलंबो स्थित अमेरिकी दूतावास ने चुप्पी साध रखी है। श्रीलंका में अमेरिकी राजदूत जूली चुंग ने सभी पक्षों से सत्ता के शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए सहयोग करने का आह्वान किया। हालांकि गोटबाया के वीजा खारिज होने के पीछे श्रीलंका अमेरिका संबंधों को जिम्मेदार माना जा रहा है। बता दें कि गोटबाया राजपक्षे ने 2019 में प्रचंड जीत हासिल की थी, लेकिन देश की वर्तमान हालात को देखते हुए उन्होंने अपनी सारी पॉपुलैरिटी को एक ही झटके में गंवा दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति गोटबाया देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में उनके श्रीलंका छोड़ने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि देश को ऐसी खराब स्थिति में छोड़कर वे कहां भटक रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उनके बेटे हंटर बाइडेन के कुछ ऐसे वीडियो लीक हो चुके हैं जो उन्हें भारी मुसीबत में डाल सकते हैं। हंटर की तस्वीरें और वीडियो कई वेबसाइट पर तहलका मचा रहे हैं। एक 18 सेकंड के वीडियो क्लिप में हंटर बाइडेन को एक कॉलगर्ल से बात करते देखा जा सकता है, जिसमें वो उससे क्रैक के बारे में पूछ रहे हैं। क्रैक कोकीन का रॉक फॉर्म है। इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये बाइडेन के मोबाइल और लैपटॉप से सामने आई है। सीक्रेट सर्विस ने भी इसके बारे में पुष्टि की है। इसके मुताबिक हंटर बाइडेन के आईक्लाउड अकाउंट से जो भी सामग्री सामने आई है उस पर नजर रखी जा रही है। वीडियो में स्पष्ट रूप से जूनियर बाइडेन का चेहरा देखा जा सकता है। इसमें वह धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं और ड्रग्स के साथ दिख रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी चुनावों में भी हंटर बाइडेन की इस छवि को लेकर खूब सवाल उठे थे। इसी बीच जो बाइडेन को उस वक्त शर्मनाक हालत का सामना करना पड़ा था जब भाषण देते वक्त एक प्रदर्शनकारी ने उनसे इस बारे में सवाल पूछ लिया। प्रदर्शनकारी ने उनसे पूछा कि क्या वह अपने बेटे के लीक फोटो और वीडियो के बारे में जानते हैं। इस पर प्रेसिडेंट उसे चुप होने के लिए बोलते हैं। गौरतलब है कि आरोप ये भी है कि जो बाइडेन के बेटे ने सेक्स वर्कर्स के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए थे। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 5 महीने के अंदर करीब 24 लाख रुपए उड़ाए गए थे। यह खर्च नवंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच किए गए थे। उस वक्त बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे। चीन में छोटे बैंकों के हालात खराब है। सी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी के बुरी तरह फेल होने से बैंकों पर भारी दबाव होने से कई तरह के आरोप लगे हैं। वहीं निकासी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां एक तरफ हजारों की संख्या में बैंकों के ग्राहक अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं बैंकों के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों जमाकर्ताओं को चीनी अधिकारी हिंसक रूप से तितर बितर कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ स्थिति पिछले 2 दिन से देखी जा रही है।
हेनान प्रांत के चार गांवों के बैंकों में जमा रकम वापसी की मांग को लेकर झिंगजो शाखा के बाहर हजारों जमाकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जमाकर्ताओं ने बैंक में प्रवेश करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ मौजूद कुछ अज्ञात लोगों और पुलिसों ने रोका। हालांकि फिर भी कुछ प्रदर्शनकारी बैंक शाखा में घुस गए। विरोध प्रदर्शन की जो वीडियो सोशल मीडिया पर दिख रही है, उसमें बैंक कर्मी प्रदर्शनकारियों को जबरन खदेड़ते दिख रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शन कर रही गर्भवती महिलाओं को अज्ञात लोगों द्वारा बेरहमी से पीटा जाने के दृश्य भी दिखे। हालांकि इस प्रदर्शन को बलपूर्वक दबा दिया गया। बताया गया है कि जमाकर्ताओं बैंकों के बाहर अपनी रकम वापस की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। मौजूदा स्थिति के कारण लोगों में भी शी जिनपिंग प्रशासन को लेकर भारी रोष देखा जा सकता है। लोगों को कहते हुए सुना जा रहा है कि अब अपनी कमाई पर भी हमारा हक नहीं रहा। सऊदी अरब के पूर्व खुफिया प्रमुख ने दावा किया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक मानोरोगी है। सऊदी अरब के खुफिया विभाग में नंबर दो पर रह चुके साद अलजाबरी ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान की अपार संपत्ति आने वाले दिनों में अमेरिका और अन्य देशों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। उन्होंने दावा किया कि क्राउन प्रिंस एक किलर है, उसके पास खतरनाक लोगों की गैंग है जिसे टाइगर स्क्वाड कहा जाता है। इसके जरिए वो अपहरण और हत्याएं करवाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं यहाँ एक सनकी हत्यारे के खिलाफ आवाज़ उठाने आया हूँ, जो कि मध्य एशिया में एक बड़ी चुनौती बन गया है। वह अपने लोगों, अमेरिकियों और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। उसके पास कोई भावनाएं नहीं है। मैं उसके अत्याचार और अपराधों का गवाह हूँ। मैंने लंबे समय तक उसकी हरकतों को देखा है। वो एक ऐसा मनोरोगी है जिसकी किसी के भी प्रति कोई संवेदना नहीं है। बता दें कि अलजाबरी लंबे समय तक मोहम्मद बिन नाइफ के सलाहकार थे, जिन्हें जून 2017 में सऊदी क्राउन प्रिंस के रूप में हटा दिया गया था और उनकी जगह मोहम्मद बिन सलमान ने ले ली थी। इसके बाद मिस्टर अलजाबरी अपनी जान पर खतरा महसूस करते थे, इसीलिए भाग कर कनाडा चले गए, जहाँ वे अब निर्वासन में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मुझे भी किसी दिन मार दिया जाए, क्योंकि मेरे पास शाही परिवार और सरकार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जब तक वो मुझे मरा हुआ नहीं देखेगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। तो वीकेबी न्यूज़ के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।